तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो कैसे यार, आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में माइनक्राफ्ट की मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ खेलेगा और वो दूसरा एसएमपी था, यानी कि वो दूसरा वन ब्लॉक था। ये है एसएमपी मेरा भाई और मेरा, ये मैं और मेरा भाई खेलते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। सलाम कर रहा है, तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो इसके अंदर सब चीज़ें हमने बनाई हुई हैं पहले की। इसके अंदर हमने क्रिएटिव किया था, हम साफ साफ बोल रहे हैं इसके अंदर हमने क्रिएटिव किया हुआ है। और यार मैं आपको ना पूरा एक्सप्लोर करता हूँ। सबसे पहले मुस्फत तू जा यहाँ से, मैं एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। सबसे पहले यार ही देखो, ये देखो, ये है वन ब्लॉक, वो है ये मैं बताऊँगा, सारा एक्सप्लोर करूँगा। ये है वन ब्लॉक और ये है मेरा घर। मुस्फत मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। यार मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले रूल्स यार हमारे एसएमपी के ये हैं कि कोई किसी के घर के अंदर आ नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी का सामान चोरी नहीं कर सकता, वरना उसको जेल हो जाएगी। बाकी वो भी आपको सारा कुछ सामान दिखा दूंगा। सबसे पहले यार आ जाता है ये खाने पीने के सामान पे। तो ये खाने पीने का सामान और ये आर्मर थोड़ा बैकअप लेके रखा हुआ मैंने। और यहाँ पे इस वाली में खोलता है तो इस वाली के अंदर यार शल्कर बॉक्स और एक गोल्ड का हेलमेट, अगर नैदर में जाता हूँ तो ये लेके चले जाता हूँ। साथ ये रहा आयरन, ये आयरन गोलम्स को मार के मिल जाता है वहाँ पे। सारा कुछ आपको दिखाऊंगा अभी। और ये रहा क्या कहते हैं वो, समझ जाओ खुद। और ये यहाँ पे आती है वुड और यहाँ पे नेदरराइट में, यहाँ पे मैं जरूरी सामान रखता हूँ नेदरराइट का, या नेदरराइट जरूरी सामान रखता हूँ। और यहाँ पर रहा स्टोन, यहाँ पे रहे वो एरिया वो है ना यहाँ, और यहाँ पे है वो फालतू का सामान। तो उम्मीद कर तो आपको समझ आ गया होगा। और अभी देखो नेदर पोर्टल के अंदर जाकर दिखा सकता मैं। और ये दिखा दो मैं आपको, ये तो देख पा रहे ना, ये हमारा टाउन हॉल, यानी कि विलेजर टाउन हॉल। अगर मैं इसके अंदर घुस तो रहा तो इसके अंदर इतने विलेजर नहीं है, मगर विलेजर्स हैं, हैं विलेजर्स। और यहाँ पे ये वाटर सोर्स है ऊपर अनलिमिटेड, जिसके अंदर हम लैंड हो सकते हैं। ये इसको उड़ा के क्या कहते हैं इसको, हाँ ट्रेडर। वैसे तो मुझे उड़ना आता है इससे भी, मगर मुस्तफ़ा को नहीं उड़ना आता, जो मेरा छोटा भाई है। इस वजह से हम इसके लिए बनाया है वैवे ने। तो बाकी समझ जाओ यार उसके लिए है। तो गाइस ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर मुस्फा में तय करके, मगर कहाँ से है मुस्फा, एक्सप्लोर कर रहा खुद इनको अपना घर चला जाना। ये है मुस्तफ़ा का फजूल सा घर, ये मुस्तफ़ा का घर है इसके। अच्छा सॉरी, नहीं मैं दिखा रहा था इसकी चेस्ट के अंदर इतना कोई ज़रूरी सामान है नहीं। तो इसके अगर आगे चले जाए तो यहाँ पे आ जाता है कोर्ट। दो मिनट दिखाता हूँ आपको, देखो ये लिखा हुआ है कोर्ट और नो एंट्री भी लिखा हुआ है। बे मतलब मैं कोई अंदर नहीं जा सकता, कोर्ट है ये, यानी कि यहाँ पे फैसला होता है। मुझे मैं खुद इनका एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे एक पार्टी बैठ सकती है, यानी कि वहाँ पे दूसरी पार्टी बैठ सकती है। और ये आयरन गोलम जो है ना यार, ये समझ जाओ ये हिफाजत के लिए है। और यह जज की सीट जहाँ पे मुस्तफ़ा बैठा हुआ है। और ये है जेलर की सीट जहाँ पे अभी मैं बैठ चुका हूँ। और यहाँ पे जो ये चर्चा है उसके अंदर खाना पीने का सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत, जैसे आप देख पा रहे हो। और बाकी मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से उड़ के जाऊँ तो यहाँ का आपने सारा एरिया स्पॉन हो वही कर लिया चेकआउट। और यहाँ से अगर यहाँ से जाए ना तो ये मुस्तफ़ा मेरा एक बेडरोक का घर है। और ये मुस्तफ़ा का, ये मुस्तफ़ा का घर है लेफ्ट वाला, और राइट वाला मेरा घर है। मैं मुस्तफ़ा के घर के अंदर अभी जा नहीं सकता क्योंकि मुस्तफ़ा है नहीं। अमल जी ने मारना था यार मुझे, आते आते मारा तो वह मारना था, अजीब मैं तो बोल रहा हूँ। अगर ये मेरा घर है इसके अंदर जाओ तो खुल जाना यार। यार इसके अंदर बेटर हो गया, घर के अंदर जाना बड़ा मुश्किल। ये देखो इसके अंदर मैंने थोड़े आयरन गोलम स्पॉन किए हैं। यहाँ पे अभी चेस्टों में अंदर कुछ सामान रखा नहीं है, तो अभी हम इसी की सीरीज स्टार्ट करेंगे वो वाली वन ब्लॉक भूल जाओ। और ये रहा बेड मेरा प्यारा सा। और बाकी यार इस एसएमपी में है नहीं कुछ, तो अभी मैं आपको मेन बात बताता हूँ। अभी ना अभी इसके अंदर कोई बंदा किसी को भी कुछ कहता है ना तो वो होती है उसको सीधा जेल। अभी जो है ना, अभी मुस्तफ़ा ने ना, मुस्तफ़ा ने, दो मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो है ना टाउन हॉल, ये जो है ना टाउन हॉल, ये इसके अंदर ना मुस्तफ़ा ने ना, मुस्तफ़ा मेरी फाइट हुई थी तो मुस्तफ़ा ने ना इसके अंदर मार के ना कीड़े निकाल दिए थे। वो आपको पता होगा इसके ऊपर सोल मारो तो कीड़े निकल जाते हैं, मैं मार नहीं सकता वरना वो निकल गए ना तो सारा काम खराब देंगे कर देंगे। मुस्तफ़ा ने वो कीड़े निकाले थे तो इस वजह
इस वजह से ना मुस्तफ़ा को जेल होगी। मैंने कहा वीडियो में जेल करेंगे तुझे। और अभी मुस्तफ़ा यहाँ है, इतना गंदा वाला मेरा। आजा मुस्तफ़ा, नहीं आजा पैदल ही आजा, कोई बात नहीं आजा तेरे घर के अंदर। ओए ये मुस्तफ़ा ने सही घर बना के रखा है भैया, इसकी वो वाला कर तो इतना लल्ला सा है। वही कुछ भी समझ ले, वही यहां पर गया आपको पता चल ही जाएगा जस्ट के लाइब्रेरी टाइप ओके स्टोरेज रूम। स्टोरेज था ये मेरे स्टोरेज था, स्टोरेज रूम है गाइस इसका। चल खोल के दिखा, अभी कुछ रखा ही नहीं गाइस इसने, बस इतना एक्सप्लोर किया। अब मुस्तफा तू कोर्ट में आ, गवाही होगी कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। जिस मर्जी चीज में आ, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी है मैं कोर्ट में पहुंचूंगा। तो गाइस जो बेमतलब में कोर्ट में जाता है ना तो उसको भी जेल हो सकती है। तो इस यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, यहाँ पे गाइस हम इस वजह से बैठते हैं जब ज्यादा बंदे होते हैं तब बैठते हैं, और वरना इस वजह यहाँ पे तब बैठते हैं, वहाँ तब बैठते हैं तब जब यानी के रूल बनाना होता है कोई। तो अभी रूल तो नहीं बनाना, जेल होनी है किसी को। तो इस वजह से मैं जरा जज की सीट पे बैठ जाता हूँ, मुस्तफा साहब उसकी सीट पे बैठेंगे, आर में मैं अपना उतार लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा। हाँ बेमतलब में कोई नहीं जा सकता इसके अंदर, आ नहीं सकता, यहाँ क्लिक करना है। बेमतलब में कोई आ ही नहीं सकता इसके अंदर यार। मुस्तफा क्या आ जा आ जा, तो क्या इसको पहले आने देते हैं, पता नहीं कितने साल तक आएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो ओके गाइस यार मुस्तफा साहब आ चुके हैं बिल्कुल हमारे सामने जेलर की सीट पे। तो सबसे पहले तो मुस्तफा साहब आप ये बताएं कि आपने जुर्म क्या किया। मैंने इधर आके माइक में बोले, माइक में बोले प्लीज। मैंने कीड़ियां निकाली हैं। तो आपने क्यों कीड़ियां निकाली हैं? हाँ तो मैंने फाइट तो हमने पीवीपी वैसे किया था ना, जो का हमने पूछ के किया था। हाँ मुस्तफा सीरियस होकर उसने कीड़ियाँ निकाल दी, जान बूझ के नहीं हो, गलती से नहीं निकाली, इसने जान बूझ के निकाल लिया। इस वजह से अब मैं इसको जेल में भेजते हैं। तो सबसे पहले तो अपना लाइटर पहन लेते हैं एंड देन आर्मर में पहन लेते हैं। और अभी बात सुनो जरा, जो मैं बात कर ये क्या हो रहा है यार, ग्लिच हो रहा है मेरे साथ तो गंदे वाला। मैंने आर्मर पहन लिया मगर वहाँ पे आई नहीं, आर्मर पहन लिया। हाँ अब यार अभी देखो, अब मैं इसको मार सकता हूँ क्योंकि मुझे भी डैमेज किया, मगर अब मार सकता हूँ क्योंकि अब ये जेलर हो गया है। गए आपको चीज़ दिखाऊँ, ये देखो जो मैं लैंड होकर दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये है जेल यार, क्या यार ये है जेल गाइस। आ जा यार कहाँ है, ये है गाइस जेल। तो इसके अंदर ये भी मुस्तफा जाएगा, और अगर ये टूल्स अपने भाई सारे भाई रख के जाएगा। नहीं जाना भाई, नहीं रखना भाई, मैं ऐसा आती हूं जेब में ले जाओ रोक ना मुझे। ओ इससे मुस्तफा रुक जा, ये तूने हाथ उठाया, अब इसको 10 मिनट की जेल होगी। तो भाई तू नाम ला कर, मैं कर सकता हूँ क्योंकि भाई तूने जुर्म किया। तो गाइस अब इसको अंदर भेज देता सबसे पहले तो हम। तो ओके गाइस यार अभी सुबह हो चुकी है और मुस्तफ़ा को 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। और अभी यार निकल जा। तो गाइस बस आपको मैंने ना अपना ये एक्सप्लोर ही करवाना था सारा, और कल से इसके ऊपर सीरीज भी बनना शुरू हो जाएंगी। आयरन नहीं है मुस्तफ़ा मेरे पास। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड देन अल्लाह हाफिज़।